वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीनियर हैं संदीप जी के इंस्टीट्यूट में मैं दिल्ली में भी जा चुका हूं, तो इन्होंने जैसे सर ने कहा कि ये बहुत बिग वे में जाना चाहिए, तो मैं एक ही चीज़ कहूंगा संदीप जी के लिए कि इन्होंने पहले भी जो किया वो बिग वे में ही किया है। दिल्ली में जो सबसे पॉपुलर है जो इनका इंस्टीट्यूट जो है, तो ये भी डेफिनेटली मैं इनको कंग्रेचुलेट करूँगा इसके लिए कि ये भी बहुत बिग लेवल पर जाए। और कंग्रेचुलेशंस टू अशोक जी, टू अशोक जी यहीं पर हैं पीछे हमारे हमारे जो डायरेक्टर हैं। और बहुत मैं इनके जब इंस्टीट्यूट में गया था वहाँ पे दिल्ली में सर के एक फिल्म प्रमोशन पे गया था, तो मुझ मेरी अशोक जी से बहुत सालों बाद वहाँ मुलाकात हुई। मैंने अशोक जी के साथ काम किया था बहुत साल पहले, एक फिल्म थी जो हम लोगों ने शूट की थी, रिलीज़ नहीं हो पाई थी, बट आई वॉन्टेड के मैं अशोक जी के साथ काम करूँ बिकॉज ही इज़ ब्रिलियंट। और जो मैं काम कर रहा हूँ, कॉमेडी कर रहा हूँ या फिर शोज़ कर रहा हूँ या फिल्में भी कर रहा हूँ, तो ये जो हमारी फिल्म आ रही है अभी रेड, वो वेरी वेरी डिफरेंट। एक होता है ना कि नॉर्मली मेकर्स कहते हैं कि ये हमारा बहुत आउट ऑफ द बॉक्स है, और फिर वो ऐसा निकलता है कि वो बॉक्स में ही रह जाता है, फिर उसका पैकअप हो जाता है, लेकिन ये फिल्म जेन्युइनली आउट ऑफ द बॉक्स है। तो टीम ही इतनी स्ट्रांग है, तो मैं जो भी करेंगे बेस्ट ही करेंगे। रेड एक्चुअली इट्स अ एक्साइटिंग डेंजर का भी होता है, एज वेल एज लाइक लव के बारे में भी है, तो ये किस तरह की फिल्म है? डेंजर मतलब रेड साइन जो होता है, डेंजर या नहीं, जब क्या जब डायरेक्टर ही डेंजर हो तो डेंजरस तो अभी हम ज़्यादा नहीं कहेंगे। अभी आप देखिए, अभी जल्दी हमारी फिल्म कंप्लीट हो जाएगी, उसका जब टीज़र आएगा, जब ट्रेलर आउट होगा, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितनी डेंजर है। आई थिंक मैं इतना डेंजर नहीं हूँ, ये थोड़ी बहुत डेंजर है, लेकिन अशोक जी सबसे ज़्यादा डेंजर।
तो वो जो डेंजरस सब्जेक्ट है वो ऐसा डेंजरस डायरेक्टर ही डायरेक्ट कर सकता है। काफी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है एक्चुअली आपके लुक पर, लुकिंग क्वाइट। हां अभी लॉकडाउन था तो फिर काम बंद हो गया, पैसे खत्म हो गए थे सबके, तो खाना पीना बंद था। नहीं नहीं तो इंडस्ट्री का भी बहुत काफी अप डाउन्स बहुत रहे हैं लॉकडाउन के बाद। नहीं जेन्युइनली मैंने, नहीं नहीं वो तो चलो मस्ती कर रहा हूँ, लेकिन मैंने लॉकडाउन में फिर कसम खा ली थी कि बाहर निकलूँगा तो मैं सही होके निकलना चाहता हूँ। तो आई थिंक थैंक्स सब लोग मुझे बोल रहे हैं कि बेटर हो गया हूँ मैं पहले से। How happy you feeling like you know the theaters have like you know अभी वापस शुरू हो गए हैं? वेरी वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड कि थिएटर्स अभी खोल रहे हैं। अभी हम लोग 2 तारीख को रोहित सर आ रहे हैं, अजय रोहित सर और अक्षय सर हमारे शो पे। हम लोग अभी जो नेक्स्ट इंटीग्रेशन करेंगे वो सूर्यवंशी का करेंगे, तो बहुत एक्साइटेड वेरी हैप्पी कि सूर्यवंशी के साथ जो है उसकी ओपनिंग हो रही है और पूरे चांसेस हैं कि फिर से वो रिवाइव हो जाएगा। पीपल are going to be back to the theaters now, so very very happy. Something about this film festival also, like you know, there are lots of film festivals happening, but then how good is it, like you know, kitna acha hota hai ki bahut sari filmein aur cross you know filmein jaati hai. I think wo Sandeep ji would be the right person. No, your best wishes the, to yeah yeah my best wishes to hamari definitely hai, tabhi hum log sab yahan par hain, but I think Sandeep ji would be the first one too. Dekhiye, what I believe is that films are the best way to showcase your culture. They are the ambassador of culture of any country, and film festival is the best platform to showcase this culture. And that is the reason that we decided to have this kind of an international film festival at New Delhi. 14 years back, IFFI shifted its base from New Delhi to Goa. And that was the time when we decided to have one festival for North India. And I'm very happy that in a span of all these 13, 14 years, this festival has grown much, much bigger than our own expectation. So when you have a footfall of 50 to 60,000 people in 3 days, and you're showcasing 20 to 30 films in different halls, and there are around about 30 events which you plan for a different sort of audience, I think I'm more than satisfied with the level and the size of festival right now. Now, obviously, after pandemic, this is going to be another challenge, but we are absolutely prepared for it, and we hope that things will be much, much better by December 1st week. Karwa Chauth gaya, Mama ji ne gift diya Sunita ji ko. Ji ji. Kashmira ji ne aapse koi gift manga hoga ki kya hai? नहीं ऐसा वो देख के कोई गिफ्ट नहीं मांगा, वो तो शुक्र है। नहीं नहीं मेरे गिफ्ट्स वो मुझसे मेरा क्रेडिट कार्ड रख लेती हैं, तो वो एवरी वीक वो गिफ्ट्स ही रहते हैं, तो वो ऐसा कोई स्पेसिफिक करवा चौथ का नहीं होता। बट आई एम वेरी हैप्पी कि मामा ने जो है गिफ्ट किया, मैंने देखा, मैंने सोशल मीडिया पर देखा था, वेरी हैप्पी, और मामी डेफिनेटली डिजर्व भी करती हैं। तो डेफिनेटली वेरी वेरी हैप्पी, वी ऑल आर हैप्पी। इंडस्ट्री के जितने लोग हैं आप सोशल मीडिया पे देखेंगे सभी लोगों ने पोस्ट किया है, क्योंकि जी जी वी नॉट टॉकिंग अबाउट द इवेंट फॉर व्हिच वी आर ऑल हियर। राहुल जी यू शुड टॉक अबाउट सर आप यहां प्लीज। आई मीन नो वी आर ऑल हियर फॉर द इवेंट व्हिच जी जी अशोक हियर एंड कृष्णा जी एवरीबॉडी ओवर हियर जी जी आई थिंक समवेयर वी आर डाइग्रेसिंग इनटू अदर आइडियाज। आई एम सॉरी नो नो बट यू आर यू आर राइट सर यू आर राइट बिल्कुल सही बोल रहे हैं जी जी संदीप इज हियर आई थिंक इट्स मोर देन वी टॉक अबाउट जी करेक्ट वी टॉक अबाउट द द फिल्म एंड ऑल दैट सो आई थिंक दिस इज प्रीटी गुड इनफ हम या चलो आई अटेंडेड लॉट्स ऑफ इवेंट्स एट Marwa, Mr. Sandeep Marwa is here, and with the driving force behind him of Ashok Tyagi, who's also here. So my congratulations to all of them, and I hope everything goes in a big way. And ICMEI has a big football within the industry, and I wish them all the best for this. And I wish Mr. Tyagi and his actors here
both of them are here. All the best for them. Thank you, sir. AMI is in Mumbai right now and they are organizing film festival here. I'm really looking forward to it and I'm really, really happy about it because ICMI has been influenced by Government of India who are doing anything and everything to unite the whole world, which we haven't seen before. The way Indian government is working towards it, it's something highly appreciable. And through ICMI, we can make it more possible. So I'm so glad and looking forward. Thank you. Global Film Festival is going to happen in Noida. It's the 14th Global Film Festival. ICMI की जो ब्रांच ऑफिस है वो यहाँ खुली है द चैप्टर एंड आई एम रियली ऑनर्ड एंड प्रिविलेज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस. पार्टिसिपेट करने हो तो आपको अप्रोच करेंगे यहाँ. एनीबडी हु वांट्स टू पार्टिसिपेट इन द फेस्टिवल और प्रॉब्ली हैज एनीथिंग टू डू विद प्रॉब्लम्स ऑफ फिल्म इंडस्ट्री और कोई शूट करना चाहता है अब्रॉड बिकॉज वी आर कनेक्टेड विद द होल वर्ल्ड. 60 Ambassadors, embassies are with us of all over the world and you can shoot anywhere in the world through us. The accessibility has increased. Iske alawa aur bhi koi event karna ho abroad, shooting ke alawa bahut si cheezein hoti hain. Ad films hain, festivals hain, festival mein participate karna ho filmon ko, so you are most welcome to contact us. Now you are also in Bombay. ICMI is in Mumbai too. Thanks to that's a very Sandeep big Marwa. News and great. Thank you, sir. And I must congratulate Sandeep Marwaji for such a remarkable job he has done. I think he deserves to get the biggest honor from the nation. He has really done immense job. Jo film industry mein bahut kam logon ne kiya hai, magar theek hai, apne samay pe I think you will definitely get something huge. So, we look forward for more laurels. चलिए अभी फिलहाल के लिए एक सेलिब्रेशन का एंजॉयमेंट का माहौल रहे तो जो भी औपचारिकता है वो जो सबके इंटरेस्ट की नहीं है लेकिन बहुत फिल्म उद्योग के इंटरेस्ट की जो बातें हैं वो मैं इस वक्त आप लोगों के सामने मुझे प्रस्तुत करते हुए बहुत खुशी हो रही है. संदीप मारवा जी आज हमारा सौभाग्य है कि हमें मुंबई नगरी में पधारे हैं और हमें अवसर दिया उनका सत्कार करने का, उनका स्वागत करने का. संदीप मारवा जी ने 6 विश्व के रिकॉर्ड तोड़े हैं और फिल्म सिटी नोएडा जो आज 2000 एकड़ में बहुत ही विराट रूप लेने जा रही है उसकी बुनियाद इन्होंने 1987 में रखी प्रपोज़ल दे के फिल्म सिटी का. इनका प्रपोज़ल उत्तर प्रदेश सरकार को अच्छा लगा और उसकी वजह से जो एक जंगल था वो मंगल बन गया. आज की तारीख में विश्व का सबसे व्यस्त फिल्म सिटी है आज की तारीख में जो 18,000 से भी ज़्यादा लोगों को, स्त्रियों और पुरुषों को मीडिया में रोज़गार दे रहा है. संदीप मारवा जी ने आप बताएंगे जो भी आप सवाल करेंगे लेकिन 2015 में इन्होंने इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बुनियाद रखी और उसके माध्यम से और मुझे उसका महासचिव नियुक्त किया और हमने मिल के वहाँ पर काम किया जिसमें हमने मंत्रालय मार्क किए हैं, हमने राजदूतावास मार्क किए हैं और हम उनके साथ में कल्चरल एक्सचेंज करते हैं, फिल्म एक्सचेंज करते हैं और तरह तरह के काम करते हैं जिनके बारे में विस्तार से संदीप मारवा जी जानकारी देंगे. तो हमारे काम का इतना विस्तार हो चुका है आज की तारीख में कि हमने सोचा कि इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए और विस्तृत करने के लिए इसको हम मुंबई में भी सक्रिय करें और मुंबई में सक्रिय करने के लिए हमने राजीव चौधरी जी को चुना कि ये मुंबई चैप्टर का जो मुंबई चैप्टर विच इज़ मुंबई में एक्टिवेट करने के लिए राजीव चौधरी जी जिन्होंने एक पत्रकार के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत की और बाद में एज ए पब्लिसिस्ट उन्होंने बहुत बड़ा काम किया और अब निर्माता निर्देशक
और इवेंट्स में, बड़े बड़े इवेंट्स में वो सक्रिय रहते हैं, तो हमने उनसे आग्रह किया और संदीप भारवा जी से मैंने परामर्श किया कि, और उन्होंने राजीव चौधरी जी को जो कमेटी है ICMEI की जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से कोऑर्डिनेट करेगी मुंबई में, उसका चेयरमैन हमने राजीव चौधरी जी को नियुक्त किया है और आज चेयरमैन साहब उसका भी अनाउंसमेंट करेंगे। और कृष्णा अभिषेक जी कभी भी पहुंच सकते हैं, उनके आते ही हम विधिवत रूप से हम संदीप जी का सम्मान करेंगे। तब तक संदीप जी आप ICMEI के बारे में। जी थैंक यू वेरी मच अशोक त्यागी जी, राजीव चौधरी जी, मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोगों ने यहाँ मुझे बुलाया। मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूँ। 1986 के अंदर हम लोगों ने नोएडा फिल्म सिटी का सपना देखा था, 1987 में प्रोजेक्ट सबमिट हुआ, 88 में पास हुआ और अलॉटमेंट हुई, और हमने समझिए कि 1991 के अंदर उत्तर भारत का पहला स्टूडियो मारवा स्टूडियो के नाम से प्रोग्राम शुरू कर दिए थे, और 1993 के अंदर हम लोगों ने एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न की नींव रखी, जो भारत का चौथा और निजी प्राइवेट सेक्टर में पहला फिल्म संस्थान था। मुझे बड़ी खुशी है कि इन तमाम सालों के अंदर नोएडा फिल्म सिटी जो है वो देश की सबसे तेज़ दौड़ती हुई फिल्म सिटी बन चुकी है। ये 100 एकड़ का कॉम्प्लेक्स है, 75 एकड़ आउटडोर, 25 एकड़ इंडोर, 25 एकड़ में तकरीबन 16 स्टूडियोज़, और 16 स्टूडियोज़ में से तकरीबन 350 चैनल जो 162 मुल्कों में 24 घंटे प्रसारित हो रहे हैं। करीब 17,000 से 18,000 मीडिया प्रोफेशनल इस फिल्म सिटी में 8 घंटे की 3 शिफ्ट में काम करते हैं, और कास्केडिंग इफेक्ट अगर जोड़ा जाए तो 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों को अपनी रोज़ी रोटी कमाने का एक बहुत खूबसूरत मौका मिला है। हम लोगों ने मारवा स्टूडियो से अब तक 30 साल हो गए हमें स्टूडियो चलाते हुए, और इस स्टूडियो से हमने तकरीबन 4,500 टेलीविज़न प्रोग्राम, 50 से भी ज़्यादा चैनल के लिए, तकरीबन 5,000 ट्रेनिंग फिल्मों का निर्माण, और मेरी प्रोडक्शन कंपनी ने तकरीबन 3,000 शॉर्ट फिल्मों का निर्माण किया।